हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष। आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि डॉट ओएस कैसे आप इंस्टॉल करेंगे हमारे MIUI A1 में। तो मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाया था जुलाई में, तो उसके अंदर बताया था कि इसके अंदर फीचर्स क्या है, बट इंस्टॉलेशन पूरा नहीं बताया था। तो कई सारे यूजर ने हमें कॉमेंट्स किया है कि भैया इसका इंस्टॉलेशन वीडियो लाइए। इस वीडियो में मैं बताऊंगा फुल इंस्टॉलेशन प्रोसेस। तो चलिए, ज्यादा टाइम लेते नहीं है, स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब करिए और साथ में ये बेल बटन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन में क्लिक कर देना, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो अपने चैनल पर सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारा वीडियो बन चुका है और हम इसके लिए काफी मेहनत करते हैं। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर हो सके तो शेयर भी कर सकते हो। यहाँ पर देखिए, अभी फिलहाल 1 जुलाई 2019 का सिक्योरिटी पैचअप हमारे MIUI A1 के अंदर इंस्टॉल है। तो हम इस फोन के अंदर इंस्टॉल करेंगे डॉट ओएस, जो कि आई थिंक इसको पिछले महीने में जो हम बताए थे जून का अपडेट है उसके अंदर, और उसका हर 1-2 महीने के बाद ही अपडेट आता है, बट वो एकदम झकास रोम है। आप खैर छोड़ो, हो रही बहुत सारी बातें। बातें करने से पहले आपके फोन को ऑलरेडी आपने बैकअप ले लेना है, जो भी अगर डाटा नेसेसरी डाटा हो आपको अगर रखना है आप बैकअप जरूर ले सकते हैं। जब इसका बूट लोडर अनलॉक करेंगे हो सकता है इसके अंदर डाटा इसका क्लियर क्लेस हो जाए, यानी OEM अनलॉक जब करेंगे। तो अभी चलते हैं पीसी के ऊपर, क्या क्या फाइल जरूरत होगा मैं आपको बता दूंगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वो फाइल सब अपने कंप्यूटर में सबसे पहले रख लो। सबसे पहले हम पीसी पे चलते हैं और इस पे देखते हैं क्या क्या चीज आपको जरूरत है, जो कि मेजर चीज। यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया एक प्लेटफॉर्म टूल हो गया, एक ADB सेटअप हो गया, डॉट ओएस का रोम फाइल हो गया, और नीचे ओपन गैप्स, क्योंकि डॉट ओएस में गूगल गैप्स आता नहीं है तो आप इसी के थ्रू कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये इनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से कंप्यूटर में इसको सेव कर देना। MIUI A1 को फ्लैश करने के लिए और नया रोम इंस्टॉल करने के लिए सिर्फ पीसी की ही जरूरत है, पीसी और लैपटॉप हो। लेकिन दोस्तों, ये जो रोम आप इंस्टॉल करोगे ये आपने जिम्मेदारी में करना, ये नहीं कि मैंने बोल दिया तो आप उठ के करने लगे। आप पहले 2-4 बार वीडियो देख लो, आपको समझ आ जाए फिर आप कर लेना, कोई इश्यू नहीं आएगा। तो चलिए आप बताते हैं, प्लेटफॉर्म टूल एक फाइल है इसको रख लेना है, और एक ADB सेटअप है ये मैंने बता दूंगा। सबसे पहले हम ADB सेटअप को ओपन करना है, राइट क्लिक करके यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे इसको यस करिए, ठीक है, डू यू वांट टू इंस्टॉल, इसको फास्ट बूट मोड बाय यस करके एंटर करिए। यहाँ पर भी यस कर दीजिए एंटर, यहाँ पे सिस्टम, यहाँ पे डिवाइस ड्राइवर जो इंस्टॉल करना है एंड्रॉइड का वो भी यस कर दीजिए एंटर। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे बटन पे क्लिक करिए, वो डाटा आपके फोन के अंदर कॉपी होगा। यहाँ पे देखिए गूगल पे google.inc ये वाला देखिए टिक आ गया ग्रीन मार्क, तो टिक आने के बाद आपको फिनिश कर देना है, ठीक है, ऑल डन लिख गया है, आपके फोन के अंदर ADB सेटअप हो गया है। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो फाइल है आपने सेव करके रखे होंगे इसको यहाँ पे मिनिमाइज कर दीजिए। आपके फोन पे चलिए, फोन पे जाने के बाद यहाँ पे फोन पे आपको जाना है डेवलपर ऑप्शन। डेवलपर ऑप्शन जाने के लिए बिल्ड नंबर को 7 बार टैप करना है, तभी आपका यहाँ पे बिल्ड नंबर है इसको 7 बार टैप करना है, उसके बाद आपका डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाए। डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा तो यहाँ पे बैक करिए, यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन में जाइए। डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद आपको OEM अनलॉक को इनेबल कर देना है, ये ऑलरेडी हो रखा है, और यहाँ पे USB को इनेबल कर देना है, ये ऑलरेडी इनेबल हो रखा है। आपको और कहीं कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ पे मिनिमाइज करना है। उसके बाद फोन को स्विच ऑफ करना है, ठीक है, पावर ऑफ करना है। जैसे पावर ऑफ हो तो पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन बटन इन दोनों को एक साथ आपको प्रेस करना है, ताकि फास्ट बूट मोड में फोन आ जाए। दोनों को मैंने दबा के रखा, ये आ गया हमारे बचपन का दोस्त। इसके बाद आप अपने लैपटॉप के अंदर पावर केबल को बढ़िया से अच्छी तरह सेट करना है। उसके बाद अपने इसका जो दूसरे पार्ट है इसी टाइप का पोर्ट जो है इसको यहाँ पे सेट करना है, ठीक है। एक फ़ोन के अंदर बीप आ जाएगा, वो आ गया, अब फोन को यहीं पे छोड़ देना है, कुछ नहीं करना फोन को, ठीक है। उसके बाद आप पीसी के ऊपर चलिए, यहाँ पे चलने के बाद ओके करिए, फिर वही वाला फोल्डर ओपन करिए जो फोल्डर मैंने आपको दिखाया था। प्लेटफॉर्म टूल को ओपन करिए, इसको ओपन करने से पहले आपके फ़ोन को एक बार चेक कर लेना है कि आपका फ़ोन सही तरह प्रॉपर वे में कनेक्ट है कि नहीं। यहाँ पे मिनिमाइज करिए, आपका कंप्यूटर दिख रहा होगा द पीसी या माई कंप्यूटर जो भी, इसका जाना है आपको मैनेजर में। तो मैनेजर के ऑप्शन जाने के बाद ये कंप्यूटर मैनेजमेंट आ गया, यहाँ पे डिवाइस मैनेजर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए एंड्रॉयड डिवाइस, एंड्रॉयड
एडीबी इंटरफेस, इसके अंदर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो दिखा रहा है, यहाँ पे एक एरर मार्क आ रहा है, ठीक है। ये जो एरर मार्क आ रहा है ना, ये सही तरह प्रॉपर वे में इंस्टॉल नहीं है, तो इसको अपडेट करना होगा। तो अपडेट करने के लिए आपको यहाँ राइट क्लिक करना है, अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन करना है सर्च ऑटोमेटिक ड्राइविंग, जो सर्च करके ऑटोमेटिक ओके। दिस डिवाइस कैन नॉट स्टार्ट कोड वन, इफ यू वन मैनुफैक्चर डिवाइस यू वेबसाइट चेक सपोर्ट ओके। तो अब यहाँ पे देखिए ली मोबाइल एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर नीचे देखिए एंड्रॉयड बूट लोडर इंटरफेस, ये आ गया। तो उसको अपडेट करने के बाद तो आपके फ़ोन जो है पूरी तरह कनेक्ट है। अगर किसी अगर नहीं आएगा तो इंटरनेट कनेक्ट करके उसके बाद आप ये सर्च अपडेट करिए, तो इंटरनेट से ऑटोमेटिक वो फाइल अपडेट हो जाएगा। इसके बाद आप इसको क्लोज कर दीजिए। मैंने पूरी स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, इसीलिए थोड़ा टाइम लगेगा, आपको समय देना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद हमने प्लेटफॉर्म टूल वाला फोल्डर अपने ओपन करके रखे होंगे। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे ऊपर जो सर्च बॉक्स इसका आता है, यहाँ पे CMD लिख के एंटर मार देना। देखिए कमांड आ गया, यहाँ पे लिखना है फास्ट बूट डिवाइस, फास्ट बूट डिवाइसेस। लिखने के बाद एंटर करिए। जैसे आप एंटर करेंगे आपके यहाँ पे फास्ट बूट नंबर यहाँ पे शो कर गया। अगर ये नहीं आता है तो आप फिर दोबारा जाके वहाँ ड्राइवर को इंस्टॉल कर देना, तभी जाके ये आपका फास्ट बूट ओके हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको लिखना है फास्ट बूट OEM, फास्ट बूट OEM ऑन लग के बाद यहीं पर रहेगा। यहाँ पे एंटर मारने से पहले आपके फ़ोन के अंदर यहाँ जो फ़ोन रखा हुआ है तो आपका डाटा बच जाए, मतलब कई सारे सीन में डाटा बचता नहीं है, फिर भी हम इसको प्रेस करके रख के यहाँ पे एंटर मार देंगे। इसको प्रेस किए, एंटर कर दिए, ठीक है। एंटर करने के बाद आपके फ़ोन जो है फिर दोबारा उसी में फास्ट बूट में आ गया दोस्तों। इसके बाद मैंने आपको दो फाइल और प्रोवाइड करना है, उस फाइल का नाम बता देता हूँ। यहाँ पे TWRP टी शर्ट इंस्टॉलर, ये वाला फाइल आपको एक बार इंस्टॉल करना है इसके अंदर। तो इसको यहाँ पे, क्योंकि परमानेंट TWRP अगर रखना चाहोगे तो इसको रख के आप यूज कर सकते हो। इसको कॉपी कर लिया, उस फोल्डर में रख दिया, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहीं से इसको सेट कर सकते हैं। तो फिर प्लेटफॉर्म टूल को ओपन करते हैं। यहाँ पे प्लेटफॉर्म टूल ओपन हो गया और हमारे जो अपना कमांड विंडो ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको सेट करना है फास्ट बूट, बूट जो टेम्पररी में आपको TWRP इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये जो रिकवरी में जाना है, ये जो रिकवरी वाला फोल्डर है, इस पे जो फाइल है इसको क्लिक करना है, लेफ्ट में क्लिक करके वहाँ छोड़ देना है जहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे करने के बाद इसको एंटर कर दीजिए। यहाँ पे ओके हुआ, आपके फ़ोन को देखिए, यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक फ़ोन आपका TWRP मोड में चला गया दोस्तों। थोड़ा टाइम लग सकता है, आपको इरिटेट लगेगा कि भाई इतना टाइम ले गया, बट आपको पूरी शुरू से एंड तक मैंने बताया हूँ। आज तक आप यूट्यूब पर ढूंढ के देख लीजिए, ऐसे कोई रोम इंस्टॉलर नहीं है जो कि इतना डिटेल से बारीकी से आपको समझाता है, ठीक है। इस वीडियो में आपको A to Z मिल जाएगा, शुरू से एंड तक आप देख लोगे तो एक ही बार में रोम इंस्टॉल कर लोगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे स्वाइप टू अलाउ उसके लिए डिटेल चला जाना, मॉडिफिकेशन के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको चले जाना है माउंट पे। माउंट पे यहाँ पे सिस्टम फार्मवेयर ये तीनों चीज़ को डन ओके रखना है, बैक करना है। वाइप पे जाना है, एडवांस वाइप पे जाना है। डेबिट डाटा, सिस्टम डाटा और इंटरनल स्टोरेज आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर आपको ये दिमाग में रखो कई सारे एप्लीकेशन थे, वो यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज भी आप यहाँ पे हटा दो, कोई ज़रूरत नहीं है। आप रखना चाहो तो रख सकते हैं, यहाँ पे स्वाइप टू वाइप कर दीजिए, तो डाटा आपका स्वाइप हो गया, बैक कर दीजिए, ठीक है। फॉर्मेट डाटा भी आप कर सकते हो, क्योंकि आपके फ़ोन के अंदर पूरे क्लीन हो जाएगा। यस यस करके ओके कर दीजिए। अनेबल टू माउंट स्टोरेज लिख रहा है, बैक करिए, तो यहाँ पे बैक कर जाना, माउंट पे चले जाना। माउंट पे यहाँ पे आपको दोस्तों तो कई बार ऐसा होता है जब आप वाइप कर देते हो या फॉर्मेट डाटा करते हो, फिर जब माउंट पे जाते हो तो आपका ये माउंट पे ये जो डाटा वगैरह ये टिक नहीं रहता, तो इसलिए आपको दोबारा क्या करना, जब इस टाइप का सिचुएशन आ जाए आपको इंस्टॉलेशन के दौरान, आपको क्या करना होगा, दोबारा फास्ट मोड में जाके एक बार रिकवरी फाइल को दोबारा फ्लैश कर देना, उसी के अंदर जो बूट इमेज दोबारा फिर आएगा ना, उस टाइम आपको डाटा सिस्टम फार्मवेयर इन तीनों चीज़ में आप ओके कर सकते हो। तो बैक कर दीजिए, आपके फ़ोन के अंदर वाइप क्लियर हो चुका है और आपने डाटा भी क्लीन हो चुका है। इसके लिए आपका USB भी आप लगा सकते हो, फिर आप चले जाना आपके फ़ोन कंप्यूटर के अंदर, डाटा कॉपी करना है जो आपने फाइल सेव करके रखा होगा इंस्टॉलेशन फाइल को। तो यहाँ पे एक बार हम देख सकते हैं, मिनिमाइज कर दीजिए, मिनिमाइज कर दीजिए, मिनिमाइज। यहाँ पे देखिए ये जो फाइल सब है इसको आप सेव करना है अपने इंटरनल स्टोरेज में। यहाँ पे MI1 शो कर रहा है, तो यहाँ पे इसको कॉपी कर दीजिए तीनों चीज़। यहाँ पे कॉपी करने के बाद
ठीक है, यहाँ पे या तो यहाँ सेंड टू डायरेक्ट आ रहा है MI1, तो यहाँ पे टिक कर दीजिए। तो यहाँ पे सेंड होने लगा, अंदर यहाँ पे MI1 ओपन है, इसको क्लिक किया, इंटरनल स्टोरेज के अंदर ये वाला डाटा जो है शो कर रहा है आपको। तो यहाँ पे डॉस OS, ओपन गैप्स, ट्यूटोरियल इंस्टॉलर, ये तीनों आ गए आपके फ़ोन के अंदर। अब हमारा PC के साथ कोई लिंक नहीं है, हमें फ़ोन के ऊपर चलते हैं। जाइए, इसको रिमूव कर दीजिए। उसके बाद इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, यहाँ ध्यान रखिए, इंस्टॉल पे जाना है। जैसे जाओगे आपका इंटरनल स्टोरेज ऑटोमेटिक आ रखा है, तो उससे पहले एक बार माउंट में भी क्लिक कर देना, ये तीनों ऑप्शन इनेबल होना चाहिए। उसके बाद आपको जाना है इंस्टॉल में, और इंस्टॉल जाने के बाद यहाँ पे आपको इंस्टॉल करना है .os। सबसे पहले .os यहाँ पे स्वाइप कर दीजिए। .os यहाँ पे Part 1 Part 2 यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे Step 1 Step 2 जो भी फ्लैश हो गया है, उसके बाद आपको यहाँ से बैक करना है। फिर आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है TWRP इंस्टॉलर, क्योंकि जब आप रिकवरी में होगे तो उस टाइम फिर आपका ब्लैक स्क्रीन हो जाएगा। आप सोचोगे यार फोन खराब हो गया, कुछ हो गया, बट TWRP इंस्टॉल करोगे तो फिर दोबारा TWRP आ सकते हो। तो इसको एक बार फ्लैश कर देना, ध्यान रखना रोम के इंस्टॉल के बाद ही इसको इंस्टॉल करना है। यहाँ पे हमारा इंस्टॉलर जो है डन हो चुका है, फिर बैक कर जाइए। उसके बाद गैप्स चलाना है। गैप्स क्यों चलाना है? क्योंकि हमें जो रोम इंस्टॉल किया है उसके साथ गूगल एप्लीकेशन वगैरह लाना है। तो यहाँ पे स्वाइप अप कर देना। अगर ये इंस्टॉल के टाइम कुछ दिक्कत आता है तो आपको एक बार वापस रिकवरी में आके आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एरर कोड आ गया, नहीं आ रहा है, ये देखिए प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम आ रहा है, अनेबल टू प्रोसेस। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बैक कर जाना है, बैक कर जाना है, रिबूट पे क्लिक करना है, रिकवरी पे आ जाना है, दोबारा TWRP मोड में आएगा फ़ोन। को A to Z बना के बता रहा हूँ ताकि थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा पेशेंस रखिए और पूरी स्टेप बाय स्टेप देखिए। यहाँ पे फिर दोबारा आ गया, हमें इंस्टॉल में जाना है, गैप्स को फिर से इंस्टॉल करना है, क्योंकि विदाउट गैप्स आपको गूगल फाइल या Gmail वगैरह ये सब कुछ यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो ओपन ही नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए गैप्स बड़े आसानी से इंस्टॉल होने लगा है, तो ये सब आ गया, ठीक है, डन हो गया। अब इंतजार है रोम की बूटिंग का। यहाँ पे आपको बैक कर जाना है, बैक कर जाना है, रिबूट सिस्टम, तो यहाँ पे स्वाइप कर दीजिए। यहाँ पे .os का बूटिंग इमेज स्टार्ट हो गया है, और एनिमेशन आप देख पा रहे हो कितना बढ़िया से। वीडियो को लाइक कर देना, इतना तक देख लिए, यहाँ तक आ गए आपने देख के। और आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम वाला जो ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए तो वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे आपके MI A1 के ऊपर डिस्कशन होता रहता है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है MI A1 का जो ऑफिशियल ग्रुप है हमारा, तो वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप ओनली MI A1 नहीं है, कई सारे चीज़ें के लिए आप टिप्स एंड ट्रिक लेने के लिए वहाँ से ज्वाइन कर जाइए, वहाँ पर आपको बता देंगे। बूटिंग के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, अभी यहाँ पे स्टार्ट हो गए। वाओ, ड्रॉइड ऑन टाइम, ये देखिए स्टार्ट आ गया, 37 कर दिया। ड्रॉइड ऑन टाइम यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, आपका .os यहाँ पे आ चुका है। सेटिंग में जाते हैं, अबाउट फोन के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पे एंड्रॉयड वर्सन के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। देखिए ड्रॉइड ऑन टाइम, यहाँ पे 5 जून का सिक्योरिटी पैचअप लाया है। अभी आने वाले टाइम में इसके अंदर कुछ ऑप्शन आने सेट कर सकते हो। इस वीडियो को देख के आप किसी भी रोम को इंस्टॉल कर सकते हो। यही था आज का वीडियो, बहुत लंबा टाइम हो चुका है, पूरी ट्यूटोरियल है इसके अंदर, A to Z मैंने बताया हूँ। सारे फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया जाएगा, आप वहाँ से लेके ये रोम इंस्टॉल कर सकते हो अपने रिस्क पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वंदे मातरम।